हेलो एंड वेलकम टू ऑटो सर्विस इंडिया। सो आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू ह्युंडई टूसॉन। सो ये जो प्रीमियम क्रॉसओवर सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है इंडिया में, स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ द सिथरन C5 एयरक्रॉस एंड द टिगुआन। एंड बात की जाए टूसॉन की तो ये पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शन दोनों के साथ आती है एंड ये केवल एक ही कार है इन द सेगमेंट टू ऑफर बोथ पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शन। सो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे LED क्लस्टर मिल जाएगा, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये 5 पाँचों LED क्लस्टर है एंड जो मेन हेडलैम्प्स है यहाँ पे है एंड ये दे आर ऑल LED। इनका इल्यूमिनेशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, इनका स्प्रेड और ब्राइटनेस मुझे थोड़ा कम लगा। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका LED टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है एंड यहाँ पे इसका क्रोम ग्रिल, यहाँ पे Hyundai का बैजिंग एंड यहाँ पे है इसका कैमरा। एंड फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली 360 डिग्री कैमरा के साथ आती है कार। लुक्स की बात की जाए तो सो ओवरऑल ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है ये कार। मुझे पर्सनली सिथरन C5 एयरक्रॉस के ज़्यादा अच्छे लगते हैं लुक्स। आपको किसके ज़्यादा लुक्स अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड बात की जाए अलॉय व्हील्स की तो आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे कार में एंड इनके जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, इट्स एब्सोल्युटली ऑसम। एंड 235 सेक्शन के टायर्स है, MRF का आप रबर देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक क्लैडिंग मिल जाएगी आपको। ORVMs पे आप देख सकते हैं ये सिल्वर फिनिश देखने मिल जाएगी, LED टर्न इंडिकेटर्स, नीचे आपको कैमरा भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप क्रोम विंडो लाइनिंग। यहाँ पे भी विंडो लाइनिंग होती तो एक प्रॉपर लग्जरी प्रेजेंस मिल जाता कार को। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर, क्रोम डोर हैंडल नहीं मिलेंगे आपको कार में। एंड लेंथ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4.6 मीटर की लेंथ है इसकी, नॉट ऑलमोस्ट 4.66 मीटर की लेंथ है इसकी। व्हील बेस की बात की जाए तो 2.7 मीटर का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाएगा विच इज सिमिलर टू द व्हील बेस ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कार में कितना ज़्यादा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है कार में, उसकी भी बात करेंगे आगे। एंड ये जो एंगल है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कार। आप देख सकते हैं कूपे सॉर्ट ऑफ अ डिज़ाइन यहाँ पे दिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा क्रोम का प्लेट है, यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। एंड रियर में आकर जो पहली चीज़ आप इसके ऑब्जर्व करोगे वो है ऑब्वियसली इसके टेल लैम्प्स, दे आर ऑल LED एंड कनेक्टेड एज वेल एंड दे लुक एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली गुड एट नाइट। एंड Hyundai का जो लोगो है वो ग्लास में ही प्लेस किया है, यूजुअली बॉडी पर प्लेस किया जाता है बट यहाँ पे ग्लास पे प्लेस किया है। एंड वाइपर आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे है, वेल इट इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हिडन है। एंड LED जो टर्न इंडिकेटर्स है यहाँ पे है एंड देर हेलोजन, जो टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे इंडिकेट किया जाता तो और ज़्यादा अच्छा अपील मिलता कार को रात के वक्त। रिवर्स जो लाइट है यहाँ पे है एंड ये जो है इसके रिफ्लेक्टर्स है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे है इसका कैमरा, बूट यहाँ से ओपन करना होगा आपको एंड इलेक्ट्रिक बूट गेट आपको मिल जाएगा कार में। एंड स्पेयर व्हील की फर्स्टली बात की जाए तो फुल साइज आपको अलॉय, आप देख सकते हैं अलॉय व्हील मिल जाएगा फुल साइज। एंड बूट स्पेस की बात की जाए तो 540 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाएगा एंड सिथरन C5 एयरक्रॉस में आपको मिलता है 580 लीटर्स का एंड टिगुआन में आपको मिलता है हाईएस्ट 615 लीटर्स का। सो 540 लीटर्स इज स्टिल कंसिडरेबल एंड इसका शेप जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड ये है इसका पार्सल ट्रे, यहाँ पे है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड ये जो लीवर है ये पुल करके आप सीट्स फोल्ड कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू, सो दिस इज हाउ यू फोल्ड इट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट है, LED होती तो और बेहतर होता। यहाँ पे है इसका सब ऊपर, सो करते हैं बूट गेट बंद। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉब भी मिल जाएगा, चलते कार के रियर सीट्स में। सो डोर जो है वो मुझे थोड़े लाइट फील हुए व्हेन कंपेयर टू सिथरन C5 एंड दी जीप कंपस, उनके जो डोर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड स्टर्डी फील होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे है इसका विंडो स्विच, ऑटो अप डाउन फीचर के साथ नहीं आएगा, जो सिर्फ जो सामने के दो विंडोज़ है वो ही ऑटो अपडाउन फीचर के साथ आते हैं बट दिस स्विच इज इल्यूमिनेटेड। एंड यहाँ पे आपको कोई सनब्लाइंड नहीं मिलता है विच इज़ यू नो अ बिग मिस कंसिडरिंग दैट क्रेटन सेल्टोस में भी आपको सनब्लाइंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्यूसॉन का स्कफलेट मिल जाएगा। सो बैठते हैं कार में, सो कार में आपको किसी भी तरह की स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी, रियर सीट स्पेस इज ईजिली द बेस्ट इन द सेगमेंट। सीट्स जो है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट की है मैंने, नॉट मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली, कार की जो सीट है वो कम्प्लीटली बिहाइंड है और मेरी हाइट 6 फीट है एंड यू कैन सी दी काइंड ऑफ न्यू रूम आई हैव हियर, इवन दी हेडरूम इज जस्ट एब्सोल्युटली ऑसम डिस्पाइट दैट कूपे टच। सो आप देख सकते हैं कार में स्पेस की कोई कमी नहीं है बट शोल्डर रूम की बात की जाए तो वो आपको सिथरन C5 में ही ज़्यादा मिलेगी बिकॉज वो जो कार है वो वाइडेस्ट है इन द सेगमेंट। आपको ऑलमोस्ट 2 मीटर की लेंथ मिल जाती है वो कार, नॉट लेंथ 2 मीटर की विड्थ मिल जाती है कार में। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा शोल्डर रूम है उस कार में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं AC वेंट मिल जाएंगे,
यहाँ पे है 2 USB चार्जिंग सॉकेट, एंड ये जो है ये स्विच को आप प्रेस करके सीट आगे पीछे एंड रिक्लाइन भी कर सकते हो, यू कैन सी. सो नाउडेज पीपल कॉल दिस फीचर बॉस मोड. रियर सीट्स रियली डिजर्व द स्पेशल मेंशन, स्पेशली ड्यू टू दिस वाइट सीट्स एंड दी बिग पैनोरामिक ग्लास रूफ. आप देख सकते हैं इसके जो रियर सीट एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है. एंड आप देख सकते हैं 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट मिल जाएंगे. एंड सिर्फ यही नहीं, आप इसकी सीट जो है वो रिक्लाइन भी कर सकते हो. अब ये जो है ये पूरा पीछे ले लिया मैंने सीट, एंड आप लिटरली सो जाते हो कार में. यहाँ पे आप आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको कोई भी ट्रंक एक्सेस नहीं मिलेगा. एंड ये जो व्हाइट सीट्स है इसका एडवांटेज तो ऑब्वियसली है कि कार की स्पेस थोड़ी और खिलकर आ जाती है, बट ये देख सकते हैं आप काफी ज्यादा डर्ट सेंसिटिव है, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा सीट्स का. सो चलते हैं कार के फ्रंट सीट्स में. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिल जाएगी आपको, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर में यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स देखने मिल जाएगा, एंड यहाँ पे बढ़िया से आपको डिजाइन देखने मिल जाएगी. एंड यहाँ पे इसके 1 लीटर बॉटल होल्डर, एंड ये जो कट है ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिकली 1 लीटर बॉटल होल्डर, अच्छे से 1 लीटर बॉटल अच्छे से स्लॉट हो जाए उसके लिए दिया है. एंड ये स्विचेस है इसके विंडोज के, एंड ये है ORVM के, एंड ये डोर अनलॉक लॉक का बटन. सारे ही स्विचेस इल्यूमिनेटेड है विच इज अ गुड थिंग. यहाँ पे टूसॉन का स्कफ प्लेट, इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय द वे. 12-way पावर एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे जो पेडल की पोजिशनिंग है वो एकदम परफेक्ट है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बूट गेट का स्विच, एंड ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, एंड ये है हेडलाइट लेवलर का स्विच. सो बैठते हैं कार में. सो जैसे ही आप कार में बैठोगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ आप कोई तो महंगी कार में बैठे हो. तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रूज कंट्रोल एंड MID रिलेटेड स्विचेस, एंड यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड स्विचेस. क्लस्टर की बात की जाए तो इसके ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है, सेगमेंट में आई थिंक इट इज द बेस्ट. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे है इसका टैकोमीटर, यहाँ पे रेंज शो कर देगा, यहाँ पे इसका फ्यूल मीटर, एंड बीच में ये जनरल इन्फॉर्मेशन बताएगा. यू कैन सी टायर प्रेशर एंड ADAS रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा ये. एंड आप इसका थीम भी बदल सकते हो. सो लेट मी जस्ट शो यू. सो ये जो ड्राइव मोड है ये लीवर आप पुल करके इसका ड्राइव मोड सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन सी हाउ सीमलेसली इट इज चेंजिंग इट्स थीम एंड ग्राफिक्स. ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका ये फीचर. एंड बात की जाए इन्फोटेनमेंट सिस्टम की तो ये सिमिलर है, कम्प्लीटली सिमिलर है इन्फोटेनमेंट सिस्टम टू व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड इन द i20, द वर्ना, द अल्काज़ार, द सेल्टॉस. एंड बट ये HD रेजोल्यूशन के साथ आता है. वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको सैडली नहीं मिलता है कार में, बट यू हैव वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो. एंड ये पैड है 8 स्पीकर के बोस के ऑडियो सिस्टम से, विच इज अगेन कम्प्लीटली सिमिलर टू द i20 वर्ना एंड द अल्काज़ार सेल्टॉस. बट हाउएवर व्हाट यू हैव इज लेट मी जस्ट शो यू. सो जैसे ही आप व्हीकल में जाओगे एंड यहाँ से ये जो है ये डिफरेंस जो यहाँ पे है. सो आपको जितने भी ADAS रिलेटेड कंट्रोल है वो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो, एंड आपको अप टू 64 कलर एम्बिएंट लाइट्स मिल जाते हैं. सो जैसे आप लाइट्स में जाओगे, एम्बिएंट लाइट में जाओगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई बीम असिस्ट एंड लाइट्स में एम्बिएंट लाइट में यस. सो जैसे कलर में जाओगे कस्टम कलर, यस कस्टम कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू 64 कलर्स जो है आप सेट कर सकते हो. बट जो लाइट्स है वो सिर्फ अंडर यहाँ पे जो बॉटल होल्डर है वहां पे ही डिस्प्ले होगी, एंड यहाँ पे वायरलेस चार्जर में ही जो लाइट्स है वो आएगी. अगर डैशबोर्ड में भी लाइट होती तो और यू नो एक अच्छा एम्बिएंट फील होता रात के वक्त. एंड अगेन जो दूसरा फीचर जो मुझे इसमें अच्छा लगा वो यहाँ पे है. सो जैसे मैं डोर्स में जाऊंगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो टेलगेट की ओपनिंग है इलेक्ट्रिक बूट गेट उसकी आप स्पीड भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे. सो ये काफी यूनिक फीचर है, मैंने बहुत ही कम कार्स में देखा ये. एंड यहाँ पे आप इनफैक्ट टेलगेट की जो हाइट है वो भी सेट कर सकते हो इतनी चाहिए. सो मैंने रिसेंटली आई गेस MG हेक्टर में देखा था ये फीचर. सो इट इज अगेन नाइस फीचर टू है. बात की जाए AC वेंट्स की तो फर्स्टली ये जो टच सेंसिटिव कंट्रोल्स है ये मुझे बिल्कुल भी अपील नहीं करते. ऑब्वियसली दे लुक गुड, बट जो रियल टाइम एक्सेस है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड हाउएवर एनीवेज व्हाट यू हैव इज डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंक का फीचर भी. द पार्टी ट्रिक इज हियर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्यूज का आपको फंक्शन मिल जाएगा. सो ये करता क्या है, बेसिकली जो एयरकॉन वेंट्स का थ्रो है वो स्विच करके ये जो पोर्शन है बीच में का पोर्शन है यहाँ पे भी एयरकॉन वेंट्स है. सो यहाँ पे एंड ये जो वेंट्स है यहाँ पे भी एक वेंट है. सो ये स्विच करके यहाँ से एयर थ्रो करेगा एंड बड़े ही सीमलेसली करेगा. आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि यू नो हवा आ रही है, बट अल्टीमेटली केबिन कूल कर देगा ये. एंड रिवर्स कैमरा की बात की जाए तो
आप देख सकते हैं ये सिमिलर है अगेन व्हाट यू गेट इन द सेल्टोस एंड द क्रेटा एंड अल्कांटारा, एडाप्टिव गाइडलाइंस मिल जाएगा एंड क्लैरिटी इज अगेन द बेस्ट इन द सेगमेंट, बहुत बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो फर्स्टली आर्मरेस्ट के नीचे आप लिटरली 1 लीटर की बॉटल आराम से स्लॉट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे आप कप होल्डर्स देख सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज मिल जाएगी एंड यहाँ पे है इसका वायरलेस चार्जर। ग्लव बॉक्स भी काफी बड़ा है बट कूल नहीं है एंड इट इज इल्यूमिनेटेड। एंड फीचर्स की बात की जाए तो सेफ्टी फीचर, जनरल फीचर, एक काम कर देता हूँ मैं स्क्रीन के सामने रख देता हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीन के सामने देख लेना जितने भी फीचर्स है। एंड बात की जाए इसके सीट्स के कंफर्ट की तो बहुत ही अच्छे सीट्स है ये। अगेन मुझे सिट्रोएन C5 के सीट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे, वो बहुत लिटरली हक करते हो, वो उनके सीट्स बहुत ही अच्छा कंफर्ट ऑफर करते हैं, उनके बोलस्टरिंग्स, उसकी कुशनिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बट इफ आई वुड हैव टू प्लेस सेकंड कार दिस वुड इट वुड बी दिस कार, इसके भी सीट्स अच्छे हैं बट अगेन जो बेस्ट है सेगमेंट में सीट्स वो सिट्रोएन C5 के ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन मिल जाएगा सीट्स के लिए, सिट्रोएन C5 में आपको नहीं मिलता है ये। एंड यहाँ पे आप हीटिंग भी कर सकते हो सीट्स के लिए एंड दोनों ही सीट्स के लिए। एंड बाय द वे ये जो सीट है ये 10-way पावर एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आती है, यानी कि 10-way इट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। एंड ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा सा आप देख सकते हैं सनरूफ मिल जाएगा एंड दिस इज द सन वाइजर, यू कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट एंड यहाँ पे है इसके लाइट्स। सो लाइट्स जो है वो LED नहीं है, आपको मैनुअली चालू करने पड़ेंगे। सेम इज द केस हियर, लाइट अलॉन्ग विद द मिरर, मिरर बहुत ही ज्यादा बड़े इसके। वाइपर्स की बात की जाए तो यू कैन सी अच्छे खासे स्प्रे ऑफर करते हैं, बट ये जो वाइपर्स है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है, डबल ब्लेड वाइपर ऑफर नहीं किए है, डबल ब्लेड आई गेस वाइपर ऑफर कर देना चाहिए था। सो बात करते हैं इंजन की, सो लेट मी जस्ट ओपन द हुड ऑफ द कार, सो दिस इज हाउ यू ओपन इट। सो आपको हाइड्रोलिक स्टड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे विच इज अगेन द कॉस्ट कटिंग। एंड बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये पेट्रोल यूनिट है, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, प्रोड्यूस करता है 160 PS की पावर एंड 192 न्यूटन मीटर ऑफ पावर। एंड यस आपने सही इमेजिन किया, ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। बट अगर आप टूसन बाय करने वाले हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप डीजल ही लो, बिकॉज इसका माइलेज बहुत कम है, आप लिटरली 7 या 8 से ऊपर सिटी में एक्सपेक्ट मत करना। एंड डीजल जो है अच्छा खासा माइलेज दे देगा आपको। एंड आप सभी को बताएं Hyundai का जो डीजल इंजन है वो एक प्रूवन इंजन है एंड मेरे हिसाब से वो बेस्ट मैन्युफैक्चरर है डीजल इंजन का, बिकॉज वो रिलायबल है, वो अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। सो डीजल इंजन ही प्रीफर करना अगर आप टूसन ले रहे हो। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप पेट्रोल इंजन के साथ भी जा सकते हो, बट अगर ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होता तो मैं डेफिनेटली आपको ये रिकमेंड करता, उसका माइलेज भी थोड़ा अच्छा आता एंड पावर भी ज़्यादा होती। सो ये जो सेगमेंट के बायर्स है, ये जो कार्स के बायर है वो मोस्टली फैमिली ओरिएंटेड होंगे एंड यही प्रेफर करेंगे कि ये कार्स वो लॉन्ग ट्रिप के लिए लेकर जाए। एंड लॉन्ग ट्रिप के लिए ऑब्वियसली थोड़ी पावर चाहिए, फुल फैमिली होगी, लगे ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रेफर करेंगे कि कार में पावर एंड टॉर्क ज़्यादा हो एंड डीजल इंजन ही वो डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा काम आएगा। सो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।